लुका रचित सुसमाचार अध्याय 21, कंगाल विधवा का दान। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़िया डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी भर्ती में से दान में कुछ डाला, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी। जब कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह कैसे सुंदर पत्थरों और भेंट की वस्तुओं से संवारा गया है, तो उसने कहा, वे दिन आएंगे जिसमें यह सब कुछ जो तुम देखते हो उसमें से यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढहा न जाएगा। संकट और कलेश। उन्होंने उनसे पूछा, हे गुरु, यह सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा? उसने कहा, चौकस रहो कि बरवाए न जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ गया है। तुम उनके पीछे न चलना। जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत न होगा। तब उसने उनसे कहा, जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे, और पंचायतों में सौंपेंगे, और बंदीगृहों में डलवाएंगे, और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता न करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे। तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका न होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। यरूशलेम के विनाश की भविष्यवाणी। जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो यरूशलेम के भीतर हो वे बाहर न निकले, और जो गांव में हो उसमें न जाएं, क्योंकि यह बदला लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें किसी लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उसके लिए हाय हाय, क्योंकि देश में बड़ा कलेश और इन लोगों का बड़ा प्रकोप होगा। वे तलवार के कोर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। मनुष्य के पुत्र का पुनरुत्थान। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गर्जने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे, और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाढ़ जोते दोते लोगों के जी में जी नहीं रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। अंजीर के पेड़ का उदाहरण। उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा, अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, जो ही उसमें कोंपले निकलती है तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो तब जान लोगे कि परमेश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये बातें न हो लें तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत न होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। जागते रहो, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सूत हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने
और मनुष्य के सामने खड़े होने के योग्य बनो। वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था, और भोर को तड़के सब लोग उसकी सुनने के लिए मंदिर में उसके पास जाया करते थे। थैंक यू।